रहे दान बीरो में सिबियो दरीची पर हित में जीवन की सैया सजाया रहे मोर ध्वज राज रानी यहीं पर स्वयं चीर सुत से रहे दानियों में करड़ो हरीश सतपथ की मंजिले का दीपक जलाया हरीशो जैसे आज यहाँ भंडारा के कार्यक्रम रखा गया हर जगह के लोग आई के खाए है पी है वैसे राजा रिग के बिरहा है बाबू जी बिरहा में गजल का टुकड़ा लगा पंजाब की बोतल में पंजाब की बोतल में
शतयुग के राजा मृग जो बहुत दानवीर थे बाबूजी, रोज हर एक वस्तु दान किया करते थे, तभी सोना चांदी हीरा मोती गाय रोज दान किया करते थे। एक दिन राजा मृग सुबह उठकर स्नान करके एक गाय एक ब्राह्मण को दे दिए। जब दान में वह गाय दे दिए, ब्राह्मण गाय के ले जाके अपने घर रख दिए। गाय के रोज बढ़िया से चारा पानी दे ला। काफी दिन जब बीतेगा, एक दिन गैया अपन पगहा तोड़ाई के राजा के गौशाले में पहुंच गई, तो होंठ का यहाँ तर्ज लगी। प्रेमी प्रेमिका के बात है, प्रेमी अपने प्रेमिका के बहुत प्रेम करत बा, लेकिन प्रेमिका तनिको भाव ना देत बा। तो प्रेमी कहत का बा, भोजपुरी भी हो या भोजपुरी में भक्ति गीत हो, यही विराह में सब कुछ मिली, परेशान ना हो, एकदम शांति बना के बैठे। और लोगन बैठा है सब विराह के प्रेमी है, अब तो कहा जाता कि विराह बेराह हो गया है, सब लोग भोजपुरी सुने के शौकीन बाटे। 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है, पार्टी सहित मन आशीर्वाद की कामना है। फिर से कवरिया अध्यक्ष कमेटी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है, पार्टी सहित नमन आशीर्वाद की कामना है। आदरणीय और सम्मानित बड़े भैया मनोज हलचल विराह गायक, बहुत ही अच्छे गायक है हमारे गाड़े से, 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है, पार्टी सहित नमन आशीर्वाद की कामना है। लेकिन भाव में राजा मृग करते क्या है कहना है।
की कामना है। जब दान में दे रहे उ ब्राह्मण जब अपने घर के लेके जातवा जवन गाय के असली स्वामी रहा पहला ब्राह्मण जब वो अपन गाय देखे सोचत कि ये हमार गाय है ये कहां से पाई गई। दोनों ब्राह्मण जब सामने भेंट भई पहला वाला ब्राह्मण के देखा ये गाय हमारा है राजा ने तो हमका दान में दे रहे। दूसरा ब्राह्मण कह देखा अभिन के हमका राजा मृग दान में देहन अभी हम लेके औते है और तब तक तू कहा था कि हम हमार गाय है कहन देखा ये हमार गाय है। कुछ दिन पहले राजा मृग हमका दान में दे रहे हमार गाय छूट के न जाने कहा गई लेकिन ये गाय हमारे यहाँ है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे जब आपस में झगड़ने लगे दोनों ब्राह्मण सिद्ध पुरुष थे दोनों शांत होके अपने अंतर आत्मा से देखते हैं राजा मृग एक ही गाय को दो बार दान में देते हैं। जब दुई बार दान में देते हैं राजा मृग तो दोनों ब्राह्मण सोचे लगे मन में विचार करे लगे। राजा मृग कहे लेकिन ई चीज की पता ना रहा लेकिन होट का कहना है अंतरे में We'll be right back।
लोगन सोचा था कि बतावा इतना दान भीर रहे, इतना दान करत रहे, दुखियन गरीबन की कितना देखा था। आज राजा मृग के मृत्यु होगा, लोगन एकदम शोक में आंसू बहावत है, एकदम हैरान है कि आज हमारे यहाँ के राजा मृग दुनिया के छोड़ के चला गए। लोगन सोचा था लेकिन होद का वक्त कितना है। अपने दूत के भेजन राजा मृग के आत्मा जब लेके आए, यमराज राजा मृग से पूछा था कि पहले तू पाप भोगबा कि पहले पुण्य। राजा मृग कहते हैं महाराज, हम आज तक अपने जीवन में कोनो गलती ना कहे हैं, कोनो पाप ना कहे हैं। अगर हम कोनो पाप कहे हैं तो सबसे पहले हम पाप भोगब, लेकिन हमार पाप का बा हम कौन गलती के आई हमका बतावई। जब यमराज पोथी खोलत हैं सुनहरे अक्षर में लिखा रहा था, दुई ब्राह्मण गाय के कारण राजा मृग के श्राप दिए बताए रहे। इतनी बात सुन के राजा मृग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, जानकारी तो हमका बटवे नहीं की। हा राजा मृग एकदम हैरान है, आदरणीय आप सम्मानित दीपचंद ओझा महाराज, 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है, पार्टी सहित तमन आशीर्वाद की कामना है। इधर राजा मृग जब इतनी बात सुना थे एकदम हैरान हो गए कि ये बात हमका पता ना रहा, लेकिन अगर हम अनजाने में पाप के है तो ये पाप है, हम भोगे खातिर तैयार है। यमराज ये बात के ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं, तो होत का कहना है। गिरगिट के रूप में जेका सब लोगन गिरगिटान कहा थे, भगवान ब्रह्मा जी राजा मृग के गिरगिट के रूप में धरती पे फिर भेज दे। जब धरती के रूप में धरती पे आई के राजा मृग हर जगह रेंगत है, रेंगत है बिरहा में टेरी लगा,
सदाऊ को पूरा की धरती से आशाराम पटेल 11 रुपए का आशीर्वाद मिला है। पार्टी सहित नमन आशीर्वाद की कामना है। लेकिन जब धरती पे रेंगा तहन तो होत कावक चौक में कहना तलाश करत बा। जब कई दिन बीतेगा मन में सोचत रहन कि अनायास के हम रोज दान करत रहे, अगर हम दान ना करत होई आज ही हमार दशा ना हो। लेकिन हम दान पुण्य के काम कई के आज इतनी बड़ी गलती इतनी बड़ी सजा भोगत है। राजन रीग कहत है कि हमारी शरीर कब तक कैसे रही, हमारी उद्धार कैसे हुई। उद्धार के कारण सोचते हैं कुछ समझ में ना आवत बा। लेकिन एक दिन भोरहरिया में दुर्वासा ऋषि स्नान करे जात रहे। दुर्वासा ऋषि के देख के राजा ऋग जाके आगे आके राजा ऋग दुर्वासा ऋषि के प्रणाम करत है। मानव वाड़ी में जब दुर्वासा ऋषि मानव वाणी में सुनत है कि गिरगिटान हमका प्रणाम करत बा, आखिर बात का बा। मानव वाणी में राजन ऋग दुर्वासा ऋषि के प्रणाम करत है कि ऋषिवर ये हमारे उद्धार के कारण बतावें, हम ये धरती पे कब तक कैसे रेंगब, कितना दिन तक रेंगब, ये हमारे उद्धार के कारण बतावें। जब इतनी बात दुर्वासा ऋषि सुने तो दुर्वासा ऋषि के दया आएगा तो होत का वह पहपड़ में कहना है। अररिया सम्मानित बड़े भैया सुरेश विश्वकर्मा इंजीनियर साहब 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है। पार्टी सहित नमन आशीर्वाद की कामना है।
हर के कारण बतावत ही सतयुग बीत जाई, त्रेता युग बीत जाई, जब द्वापर युग आई भगवान कन्हैया का जन्म हुई, जब उनके चरण के धूल मिली तब इस शरीर तो हर इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाई। इतनी बात दुर्वासा ऋषि बताए और कहा थे काम जब सतयुग बीता, त्रेता बीता, जब द्वापर युग आई, भगवान कन्हैया को जन्म भा, भगवान कन्हैया का लड़का करथ का कहना है, अपने साथियन के साथ जब शिकार खेले गए जंगल में, जंगल में शिकार खेलत खेलत एकदम प्यास से व्याकुल हो गए, प्यास से तड़पे लागे, हर जगह पानी खो जाते हैं। अब पानी जब ना मिला, उही बगल में कुआं में जंगल में जब पानी के तलाश करत हैं, जब कुआं में झाकत हैं, तो एक विचित्र प्राणी दिखा था, विचित्र जीव दिखा था, एकदम डराई जाते हैं, डरी जाते हैं, और जाके भगवान कन्हैया की सूचना दे दे कि पिताजी हम कुआं में जंगल में एक अजीब जानवर देखे हा, आप चल के देखें। जब इतनी बात भगवान कृष्ण जी सुनत हैं, आके कुआं के पास करत हैं, का आल्हा में कहना है,
थाकत हैं अंतर्यामी भगवान कृष्ण सब कुछ जान के अनजान बना है, सब कुछ जान के अनजान बना है। लोगन के भीड़ एकदम जमावा, लोगन देखा हैं कि गिरगिट ऐसन इतनी बड़ी शरीर में। जब सतयुग बीतेगा त्रेता बीतेगा द्वापर युग आए भगवान कन्हैया के, ऐसन गिरगिट का शरीर एकदम नेवला के समान होएगा। रहा तो गिरगिट लेकिन नेवला के जैसन शरीर होएगा। भगवान कन्हैया अपने बाई हाथ से निकाल के बाहर करत हैं और देखते ही सारी बात समझ गए। नेवला के समान गिरगिट भगवान कन्हैया के बार बार प्रणाम करत बा। मन में कहत बा कि आज भगवान कन्हैया का दर्शन होएगा, आज हमारे उद्धार जरूर होई, आज हमारे उद्धार जरूर होई, आज हम इस शरीर से मुक्ति मिल जाई। इतनी बात राजा मृग अपने मन में सोचत है, बहुत का वक्त खड़ी में कहना है। राजा मृग के शरीर पे पड़ी, जब गिरगिट पे पड़ी राजा मृग मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए। जब मनुष्य के रूप में आई गए तो बहुत का वक्त कहना है। मानव का रूप पाई सब कुछ जानत रहे, लेकिन फिर भी राजा मृग से पूछते हैं आखिर इतोहार दशा, आखिर तू ये गिरगिट के रूप में कैसे। राजा मृग कहें स्वामी प्रभु आप तो सब कुछ जानत हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु, लेकिन आप अगर पूछते हैं कि आखिर हमारी शरीर कैसे हम बतावत है। सतयुग में प्रभु अगर दानियन में कभो नाम हो तो हुई जाना जाओ तो हुई तो राजा मृग के भी नाम आवत हुई। हम रोज दान करत रहे, रोज दान करत रहे, लेकिन एक दिन हम एक गाय दो ब्राह्मण के दान में दे दे है। दो ब्राह्मण के जब दान में दे दे है ये बात के हमका मालूम ना रहा, पता ना रहा, हम उदान में दे रहे और दोनों ब्राह्मण क्रोध में आके हमका श्राप दे रहे। वह श्राप के आज हम दंड भोगे, लेकिन आज आपके दर्शन मिला, आज हमारे जीवन धन्य होएगा, हम इंसान के रूप में आई गए। इतनी बात जब भगवान कन्हैया सुने, भगवान कन्हैया जब सुने राजा मृग के आशीर्वाद हिल के जा तो हर गिनती देवतन में हुई। आखिरी भाव में कहना है गुरु भुलर गुरु हैदर अली जी हुए स्वर्ग के वारिस।
सम्मानित बड़े भैया कुलदीप सिंह सिंहपुर की पानव सुंदरा से 201 रुपए का आशीर्वाद मिला है। पार्टी सहित नमन आशीर्वाद की कामना है। मालिक से दुआ है परिवार सलामत रहे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। कहना है पानव सुंदरा से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है। पार्टी सहित नमन आशीर्वाद की कामना है।